हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। अगर आप थंबनेल और टाइटल देखकर इस चैनल पर आए हैं तो अब मोटर व्लॉगिंग माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप ये समझ लो, दिस इज़ गारंटेड। मैं भी मोटर व्लॉगिंग माइक से बहुत परेशान रहा, वॉइस क्लियर आती ही नहीं थी। फ्रेंड्स, बहुत माइक ख़रीदे, मनी वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, पेट्रोल वेस्ट किया, ये सब करके भी टेंशन ही टेंशन ली इस मोटर व्लॉग के चक्कर में। तो मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे माइक मैंने लिए, ये एबन का लिया, फिर ये एबन का दूसरा कुछ वर्जन है वो लिया, ये देखिए ये मियानो का लिया, ये कुछ लोकल माइक्स भी हैं वो भी ट्राई किए मैंने, बहुत ट्राई किया। इसके अलावा मैंने जो माइक हैं सोनी का लिया, सोनी के माइक भी नहीं चला। उसके बाद मैंने और भी कई माइक लिए, जैसे बोलते हैं बहुत पैसा ख़राब किया। ये कुछ हैं जो माइक मैंने आपको दिखा दिए हैं। कुछ माइक्स का तो हमने पोस्टमार्टम करके अंदर चेक करना था क्या था, इसलिए वो जो उनसे माइक्स को शहीद कर दिया, ख़राब कर दिया। वो खुले हुए पीस अभी मेरे पास है नहीं, मिल नहीं रहे मेरे को, कहाँ पर पड़े। कुछ नहीं हुआ, किसी में आवाज़ फटती थी, किसी में विंड नॉइस, किसी में आवाज़ आती ही नहीं थी। ओवरऑल किसी में कुछ प्रॉब्लम, किसी में कुछ प्रॉब्लम, और टेंशन फ्री में। और ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि रात को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव गोप्रो लिया, फिर अडेप्टर लिया 5000 का, उसके बाद फिर 1700 रुपीज़ का यूलेंजी का कवर लिया, और तब भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, बहुत मनी वेस्ट किया, यानी कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है मेरे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट पे। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, बाय चांस वो मेरे को मिला। उसने बताया उसका काम जो है माइक मैन्युफैक्चरिंग का है। 20 साल के बाद हम दोनों मिले थे। मैंने ये प्रॉब्लम सारी उसके साथ डिस्कस की, उसको सारी डिटेल्स भी बताई, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई। तो हम दोनों ने इसके बाद काफ़ी सारे माइक्स का पोस्टमार्टम कर दिया, ताकि पता चले कि माइक से आवाज़ क्लियर क्यों नहीं आ रही, या फिर विंड नॉइज़ इतनी ज़्यादा क्यों कैच करती है। फिर आइडिया आया हम लोग ये माइक क्यों ना बनाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दिया ये प्रोजेक्ट। पहले हमने बस 10 पीस बनाए, जो मैंने GoPro 8 में ट्राई किया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो वाला माइक है जो हमने खुद मैन्युफैक्चर किया है स्पेशली फॉर GoPro कैमरास। तो ये आप देख रहे हैं माइक, इसकी क्लोजअप पे मैं दिखाता हूँ। इसकी वायर देखिए कितनी हम लोगों ने अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये पड़ा है पूरा माइक, इसकी लेंथ मैंने मेजर आपको दिखा देता हूँ करके कितनी है टोटल। ये आप देख रहे हैं 2 फीट तो ये हो गई, इसके आगे और है, यानी कि अब आप लेके चलिए पूरे 3 फीट की इसकी पूरी लेंथ है। बहुत मोर देन इनफ है, इतनी तो ज़रूरत होती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा हेलमेट, बड़ा नॉर्मल सा हेलमेट है ये स्टील बर्ड का, और ये लगा हुआ है हीरो 8। ये आप देखिए यूलेंजी का मैंने कवर भी रखा हुआ है अपने पास, ये लगा हुआ है इसके साथ। और ये वाले माइक की जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए अभी मैं आपको डिटेलिंग में दिखा दूंगा। और मैंने यहाँ पर ही इसकी तार जो है रोल कर दी है। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ये कैमरा का माउंट है ये भी लगा रखा है, और ये माइक अंदर लगा हुआ है। तो ये मेरा सेटअप है, इसी से मैंने पूरी अपनी लद्दाख राइड कंप्लीट की थी। और आप ये देख पा रहे हैं ये है अडेप्टर। अगर आपको एक्सटर्नल माइक लगाना है तो इसके लिए आपको अडेप्टर लेना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट सैंपल दिखा देता हूँ, अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड ना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट से लद्दाख डायरीज़ की वीडियोस देख लें, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लद्दाख राइड में ये वाला माइक ही यूज़ किया है।
मतलब है आपकी अगर बाइक 100 की स्पीड पर भी है तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, जो वॉइस है बहुत अच्छी ऑडिबल होगी। हाँ, ये बात है कि आपको हेलमेट के वाइज़र ज़रूर बंद करना पड़ेगा, तब तो वॉइस एकदम बोलते बोलते है ना छकास क्लिस्टल क्लियर एकदम आवाज़ आएगी। ये माइक 90% आपकी वॉइस कैप्चर करेगा और 10% सिर्फ आउटसाइड वॉइस कैप्चर करेगा। मैं अभी आपको सैंपल दिखाता हूँ, अब आप सैंपल देखिए। मैं इस समय पे लीड कर रहा हूँ और पंकज जी पीछे टेल पर हैं, ताकि और जो दो राइडर्स हमारे बीच में विक्की और वरुण है, वो सेंटर में हमने उनको रखा हुआ है, ताकि हम लोगों को उनकी प्रॉपर इंटीमेशन रहे कि वो कैसे चल रहे हैं। मैं जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे ग्रीनरी थी, लेकिन जो यहाँ पर हम लद्दाख के हम नियर जैसे पहुँच गए हैं, यहाँ की पहाड़ियों बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे लगता है जैसे रेत के टीले हैं, और ऐसे लगता है जैसे ये क्या है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा आपको। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, GoPro एक्शन कैमरा में माइक अडेप्टर या मीडिया मोड के बिना आप एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको माइक अडेप्टर या मीडिया मोड तो लेना ही पड़ेगा। ये सारे रिसर्च में और भी बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, जैसे कि साउंड डेसिबल, जिसे हम शॉर्ट में साउंड DB भी बोलते हैं, जो कि मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। बस माइक लो मेरे से और मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। और हाँ, माइक लेने से पहले या मुझे कॉन्टैक्ट करने से पहले अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेरी लद्दाख डायरीज की वीडियोस ज़रूर देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ताकि आपको माइक की परफॉर्मेंस का अच्छे से पता लग जाए। अगर आप माइक में इंटरेस्टेड हो तो आप ऊपर दिए गए ईमेल या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कंफर्म रिवर्ट बैक करूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो फ्रेंड्स मेरे पास हीरो 8 GoPro है। अगर आपके पास हीरो 7, हीरो 8, हीरो 9 या हीरो 10 भी है, तो ये माइक उसमें भी काम करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो को और भी मोटर व्लॉगर्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।